कल यह कमरा तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा हानिया। तुम्हारा हर ताल्लुक, हर रिश्ता टूट जाएगा इस कमरे से, इस घर से और मुझसे। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा इस कमरे से, इस घर से और अपने दिल से। मगर क्या तुम इसकी यादों को भुला पाओगे कभी? भाई, बाबा ने आपसे मना भी किया था कि दो चार दिन तक ऑफिस ना जाएं, इतने सारे काम पड़े हैं ना। अरे तो ये दो चार दिन जो छुट्टी करनी थी उसके काम भी तो मुझे ही करने थे ना, इसीलिए आज ही निपटा कर आ गया। अच्छा चलें ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाए, हमें चची जान की तरफ जाना है। क्यों जाना है चची जान के घर? भाई नाजी माइयों बैठ गई, उसको मेहंदी लगानी है। यार ये क्या खराफात है, मैं ये सब नहीं भुगत सकता, मैं नहीं जा रहा। भाई जान आपकी दूसरी शादी है लेकिन उसकी तो पहली है ना, उसे अपने सारे अरमान पूरा करने का हक है। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ। गुड, आपका शलवार कुर्ता प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया, जाए जल्दी से जाके रेडी हो जाए। जाए ना। अच्छा नॉक नॉक। क्या कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं बस। चलो मेडिसिन ले लो। दूध के साथ? हाँ बेटा, तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम बहुत वीक हो और तुम्हें खाना पीना चाहिए? मम्मी रात को लेती तो हूँ। हाँ लेकिन अब दो टाइम लेनी है ना दवा, एक सुबह फ्रेश जूस के साथ और रात को दूध के साथ। हानिया बेटा देखो, अगर तुम कमजोर होगी तो बेबी पर असर पड़ेगा, और अब तुम्हें अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, पहले से भी ज्यादा। किसी भी फजूल बात को अपने जहन पर मत सवार करो, कोई भी बात मत सोचो, हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारे साथ। आप फिक्र ना करें, मैं सोने से पहले लेकर सोऊंगी। पक्की बात? जी। चलो ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर।